एवरीवन, कोकोतान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जैसे कि दिवाली का त्यौहार है तो कुछ मीठा तो बनता है, तो आज इस दिवाली के अवसर पे मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ, और वो है सेव बर्फी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सेव बर्फी बनाना शुरू करते हैं। सेव बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 3 कप दूध ले लेंगे। अब इसमें हम 2 कप शक्कर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अब ये शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। अब ये दूध अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 250 ग्राम फीका सेव डाल देंगे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सेव को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये सेव अच्छे से पक चुका है और वो काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अब ये सेव का मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है, हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अब इसमें हम 125 ग्राम खोया यानी मावा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया डालने से इस बर्फी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे बर्फी का मिक्सचर रेडी हो चुका है, हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। बर्फी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक टिन लिया है, आप कोई थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। उसे अच्छे से ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अब इसे भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इस तैयार बर्फी के मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे स्पैटुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डाल देंगे। इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब इस बर्फी के मिक्सचर को हम 1 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, मैंने बर्फी को फ्रिज से निकाल दिया है और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इस बर्फी को हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैं यहाँ इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बर्फी कितनी सॉफ्ट है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बस ये सारे पीसेस हमने कर लिए हैं। दिवाली के अवसर पे आप इस स्वादिष्ट सेव बर्फी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।